नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक नितेश राणे पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। गिरफ्तारी पूर्व जमानत पर सिंधुदुर्ग की अदालत कल सुनाएगी फैसला। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले से चिंतित महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जताई फिर से लॉकडाउन की आशंका। और नागपुर में फिर मिले ओमिक्रॉन के 3 नए मरीज, साथ ही बुधवार को नागपुर जिले में मिले कोरोना के 27 कोरोना पॉजिटिव। और अब खबरें विस्तार से। संतोष परब हमला प्रकरण में संदिग्ध भाजपा विधायक नितेश राणे की गिरफ्तारी के पहले अंतरिम जमानत पर दोनों साइड का युक्तिवाद खत्म हुआ, लेकिन इस संबंध में जिला न्यायालय ने निर्णय रोककर गुरुवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकारी वकील प्रदीप घरत और वकील संग्राम देसाई ने मीडिया से चर्चा की। माझा एवढंच म्हणणं आहे की फोन वरती कोण कोणाशी किती वेळ बोलतो याच्यावरून कुठलंच कंक्लुजन काढता येत नाही। गुन्ह्याच्या घटने दरम्यान त्याच्या लगेचच अगोदर लगेचच नंतर फोनवर बोलणं वेगळं, त्यांनी कुठल्याच संपूर्ण युक्तिवादामध्ये कोणत्या कालखंडामध्ये फोनवरती बोलणं झालं काहीच सांगितलं नाही। 33 कॉल हे जर एक वर्षभरात असतील, 2 महिन्यात असतील, तर त्याचं आणि या गुन्ह्याचं रिलेव्हन्स काय मला अजून कळत नाही। परंतु एनिवे तो अजून तपासाचा भाग आहे। परिस्थिती अशी आहे की तुम्ही जर ती मला माहीत नाही तुम्ही एफ आय आर पाहिली आहे का, त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं आहे की धडक दिल्यानंतर खाली पडले, काय त्यांच्यावरती हल्ला झाला आणि त्यानंतर एका आरोपीने फोन काढला आणि तो म्हणाला आता नितेश राणेंना आणि गोट्या सावंतना कॉन्टॅक्ट केलं पाहिजे, सांगितलं पाहिजे। असा माणूस एकटा स्वतःशी बोलतो का आणि तो सुद्धा 4 चौकात मोठ्याने, तो कोणाला तरी उद्देशून म्हणाला असं तर मी समजू शकलो असतो। ज्या अर्थी अशा पद्धतीने आरोपी एकटाच काहीतरी बडबडत होता अशा पद्धतीचं एक स्टोरी क्रिएट केली, त्याच्यावरनं संशय निर्माण होतो की नितेश राणेंना आणि गोट्या सावंतला फॉल्सली इम्प्लिकेट करण्याकरता हे केलं असण्याची दाट शक्यता आहे। आणि याचं दुसरं कारण असं होतं, हे स्टेटमेंट देण्याअगोदर साधारण 4:30-5 तास निघून गेले होते, त्या कालखंडामध्ये त्या जख्मीला खंडन केलं, त्यानंतर जी प्रोसिजर आहे त्याप्रमाणे त्यांना आमच्या याचं प्रत्युत्तर द्यायचं ते कायद्याच्या ह्याला देऊ शकतात। कालच केलेला युक्तिवाद ते परत आज करायला लागल्यामुळे माईक खाली घ्या, मी दिसतोय चेहरा त्यांचा थोडा खाली घ्या। नवीन जर युक्तिवाद केला तर तो नक्की ऐकला पाहिजे, पण म्हणजे जर उत्तर देत असेल कायदेशीर देत असतील तर, पण केलेला युक्तिवाद करून जर परत परत करून जर न्यायालयाचा वेळ घेत असले तर त्याला आमची हरकत घेणं आमचं काम आहे। ते एखाद्याच्या पदाचा भागाचा विचार केला आणि जे जी आपण कोर्टासमोर मांडणी करतो किंवा जे न्यायालयाला आपण सांगतो ते संयुक्तिक पाहिजे। कोणता अधिकारी येऊन बसला आहे, ज्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे, ज्याला जबाबदार धरलं जाईल तो निश्चितच आपल्यावरची जबाबदारी ओळखून त्याप्रमाणे काम करणार। जर म्हणून जर जे अधिकारी बसले ते जर कोकण महासंचालक पदाचे बसले असं म्हणत असेल तर मग आज केंद्राचे सिनियर ज्येष्ठ आदरणीय मंत्री सुद्धा इथेच बसलेले आहे। कोणी आपलं काम कसं करावं, कोणी का उपस्थित राहावं, ह्या गोष्टी न्यायालयासमोर येऊ नयेत। कारण न्यायालयासमोर जे आहे ते जे वकील आहेत ते न्यायालयाचे अधिकारी आहेत, आम्ही जबाबदारीने वागायला पाहिजे। राजकारणात काय होते वर्तमानपत्र आम्हाला कोणीही त्याच्याविषयी न्यायालयासमोर हे करू नये। जितका संयुक्तिक भाग त्यातील असेल तो वापरावा निश्चित, परंतु ह्याच्यात जो तपास झालेला आहे तपासात ज्या गोष्टी निष्पन्न झालेल्या आहेत त्याच्यावर आम्ही पण बोलवलं पाहिजे। आम्ही न्यायालयाला सांगितलं पाहिजे की हा जो तपासात जे निघतंय ह्याच्यामुळे आरोपीची कस्टडी का पाहिजे, त्याचप्रमाणे त्यांनी सुद्धा तपासात निष्पन्न होत आहे त्याच्यामुळे आरोपीच्या कस्टडीची गरज नाही, याच्यावर भर द्या ना, कोण येऊन बसलाय कोण काय करतो। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य में सख्त पाबंदियां लगाना जरूरी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हमें अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अब भी टीकाकरण में थोड़ा पीछे हैं और यह कहते हुए कि यह सही नहीं है, उन्होंने टीकाकरण को बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने 100% टीकाकरण कराने का संकल्प जताया। वह मुंबई में मीडिया से बात कर रहे थे। पिछले 8 दिनों में 20 दिसंबर के बीच महाराष्ट्र में 5 से 6 हजार सक्रिय रोगी थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में 11,492 रोगी है। यह संख्या 20,000 तक जा सकती है। मुंबई की तुलना में मुंबई में लगभग 300 मामले थे, अब वहां बुधवार को 1300 मामले है। बुधवार शाम तक करीब 2,200 मामले सामने आएंगे। 7 दिन में मरीजों की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। 2 दिनों में 2 गुने होने की स्थिति होने की जानकारी राजेश टोपे ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में बहुत सारे प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। वहां सभी पुराने प्रतिबंध लाए गए, मॉल, रेस्टोरेंट, शादियां सभी प्रतिबंधित है। यदि आप चीजों को हल्के में लेते हैं तो लागत में तेजी से वृद्धि होगी, इसलिए हर हाल में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मला असं वाटतं खासगी क्षेत्राच्या कर्मचाऱ्यांनाच फक्त हे करून नाही चालणार, तर आपल्याला ओव्हरऑलच सिच्युएशन जर डबलिंग रेट इतका झपाट्याने वाढत असेल तर काळजी घेण्याची गरज आहेच। आणि आता मी सांगतो काय की दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणी ह्या सगळ्या रेस्ट्रिक्शन्स लागलेल्या आहेत आणि अनेक राज्य या सगळ्या बाबतीत आता लक्ष ठेवून आहे। केंद्र सरकारची सुद्धा टीम आज महाराष्ट्रामध्ये निश्चित प्रकारे सगळीकडे 2-3 दिवसाचा दौरा त्यांचा केला जातो आहे आणि या सगळ्याच गोष्टी ते तपासत आहेत की वॅक्सिनेशनचा ड्राईव्ह कसा केला जातो आहे, ओमायक्रॉनचा काय परिस्थिती आहे किंवा प्रिपरेशन कसं आहे। या सगळ्याच अनुषंगाने मी एक नक्की सांगेन की वेव जरी असली तरीसुद्धा महाराष्ट्राचं आरोग्य विभाग हे संपूर्णतः बेड्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन्स आणि संपूर्ण जो काही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या सगळ्या अनुषंगाने आपण तयारीत आहोत, त्यामुळे असं घाबरून जाण्याचा काही कारण नाही हे सुद्धा मी अतिशय नम्रतापूर्वक सांगू इच्छितो। फक्त काळजी घ्या हा मात्र माझा जाणीवपूर्वक या निमित्ताने सूचना असणार आहेत, कारण डबलिंग रेट हा निश्चित प्रकारे खूप जास्त लॉकडाऊन संदर्भात आपण काही निकष ठरवलेले आहेत की बाबा ऑक्सिजनची एवढी मागणी वाढली की आपण लॉकडाऊन लावायचं, त्या संदर्भात आता काय आपला विचार? 700 मेट्रिक टन पर्यंत जर ऑक्सिजनचा खप गेला की मग आपण लॉकडाऊन करतो, ही जी काही नोटिफिकेशनमध्येच आपण मागच्या 6 महिन्यापूर्वीच मला वाटतं ही अट घालून ठेवलेली आहे आणि त्यामुळे त्या अनुषंगाने आपण काम करतो। पण आज ऑक्सिजनच्या बाबतीतली निकड अजिबात नाही आहे किंवा ऑक्सिजन लागतंय अशातले काही पेशंट्स नाही आहेत, पण संख्या मात्र वाढतीये एवढंच मात्र सध्याचा विषय आहे। सर आरोग्य विभागाकडून एक पत्र दिलं, नागपूर में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 3 मरीज मिलने से खलबली मची है। 3 ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती किया गया है। नागपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। नागपुर में बुधवार को ओमिक्रॉन के 3 नए मरीज मिले। 3 मरीज विदेश यात्रा कराए हैं। 3 मरीजों का एम्स में इलाज शुरू है। 3 के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने कोरोना और ओमिक्रॉन केसेस में आई अचानक उछाल पर चिंता जताते हुए मुंबई शहर के लिए कुछ अहम फैसले लिए है। उन्होंने कोरोना के चलते पार्टी, स्कूल, कॉलेजों पर क्या फैसले लिए जाएंगे, इन सब बातों का खुलासा किया। मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते हुए केस से विस्फोटक होती हुई मुंबई की स्थिति पर बुधवार को चिंता जताई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इससे निपटने के लिए कौन से नए नियमों और प्रतिबंधों को लागू किया जाना चाहिए, पार्टियों पर किस तरह से बंदी है, इमारतें कब सील की जाएंगी, स्कूलों कॉलेजों पर क्या फैसले लिए जाएंगे, इन सब बातों पर सरकार की आगे की योजनाओं का खुलासा किया। आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों को बताया कि महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते से कोरोना केस अचानक दुगुनी रफ्तार से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इस बात की चर्चा शुरू है कि यह कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस के 63% मरीज अकेले मुंबई में मौजूद है। ऐसे में मुंबईकरों के लिए यह जरूरी है कि वे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करें। नो पार्टी, नो 31st नाइट। 10 से ज्यादा केस मिले तो पूरी बिल्डिंग सील किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। साथ ही स्कूल कॉलेज शुरू रखना है या बंद, इस पर 2 दिनों में फैसला लेने का उन्होंने बताया।
साथ ही सभी नागरिकों से सतर्क रहने का और नियमों का पालन करने का आह्वान किया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अमरावती के भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे के इंजीनियरिंग कॉलेज में बिजली के झटके से 4 की मौत होने की घटना सामने आई है, जिससे शहर में खलबली मची है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री विधायक प्रवीण पोटे के इंजीनियरिंग कॉलेज में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। कॉलेज में पेंटिंग कार्य के दौरान करंट लगने से 4 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में खलबली मची है। प्रवीण पोटे का पीआर पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती में है। इस कॉलेज के कर्मचारी कॉलेज के मेन गेट पर पेंटिंग कर रहे थे। इस गेट में हाई टेंशन पावर लाइन का तार गुजरा है। जब कर्मचारी सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और पेंटिंग कर रहे थे, सीढ़ी एक बिजली के तार से छू गई थी, इसलिए चारों कर्मचारी सीढ़ी से चिपक गए। इसके बाद चारों कर्मचारी बेहोश हो गए। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय अक्षय सावरकर, 31 वर्षीय प्रशांत शेलोरकर, 45 वर्षीय संजय दंडनाइक और 29 वर्षीय गोकुल वाघ के रूप में हुई है। ये चारों एक ही कॉलेज में सिपाही के तौर पर कार्यरत थे। कॉलेज प्रशासन हैरान है कि कॉलेज के कर्मचारी बिना बाहर से मजदूरों को बुलाए कॉलेज के गेटों को रंगने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल हुए। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच जारी है। वहीं इस मामले में लापरवाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। क्राइम ब्रांच द्वारा नायलॉन मांजा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई चलाई गई। इसके तहत तहसील पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर सोना रेस्टोरेंट चौक से 198,000 का नायलॉन मांजा बरामद किया। तहसील पुलिस ने सोना रेस्टोरेंट से जाल बिछाकर बड़े पैमाने पर नायलॉन मांजा बरामद किया। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि सोना रेस्टोरेंट में एक युवक बड़े पैमाने पर मांजा लेकर आ रहा है। इसी आधार पर तहसील पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और 188 नग 1,57,200 रुपए कीमत का नायलॉन मांजा, साथ ही अन्य ऐसा कुल 198,700 रुपए का माल जब्त किया। साथ ही 21 वर्षीय आरोपी मोहम्मद तौकीर वल्द अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया। साथ ही आगे की जांच शुरू है। तीर संक्रांत निमित्त आपल्या विदर्भात विशेषतः नागपूर शहरात अनेक युवक खूप मोठ्या प्रमाणात पतंग उडवतात आणि असे पतंग उडत असताना पारंपरिक मांजाचा वापर न करता नव्याने निघालेल्या नायलॉन मांजा वापरतात आणि या नायलॉन मांजामुळे अनेक जीवितहानी झाल्याचे उदाहरण नसल्यामुळे माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर अमितेश कुमार आणि माननीय पोलीस उपायुक्त झोनतीन राजमाने सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचे पथक नायलॉन मांजाची कारवाई करत असताना त्यांना गुप्त माहिती मिळाली की सोना रेस्टॉरंट चौक सीए रोडला एक व्यक्ती ॲक्टिवा गाडीवर नायलॉन मांजा घेऊन जात आहे। त्या सूचनेवरून API बागुल, PSI वाघ, ASI संजय दुबे आणि त्यांचे पथक यांनी सोना रेस्टॉरंट वाघ चौकात रेड केली असता तकिया दिवांचा रहिवासी मोहम्मद तकीर वल्द अब्दुल रहीम व 21 वर्ष राहणार तकिया दिवांचा दारुल मस्जिद जवळ हा त्याच्या ॲक्टिवा गाडीवर नायलॉन मांजाचे 60 चक्री घेऊन जाताना मिळाला। त्या सखोलपूस विचारपूस केला असता तो मुंबई येथून ट्रान्सपोर्टने नायलॉन मांजा मागत असल्याचे माहीत झाले। त्याच्याकडे आणखी नायलॉन मांजा मिळाला। अशा प्रकारे आरोपी मोहम्मद तौकीर वल्द अब्दुल रहीम व 21 वर्षाच्या ताब्यात आम्हाला नायलॉन मांजाच्या ऑलआउट नायलॉन मांजाच्या 188 चक्र्या ज्याची किंमत मार्केटमध्ये 157,000 रुपये आहे आणि त्याच्याकडे असलेली ॲक्टिवा गाडी
असा एकूण 197,000 मुद्देमाल आरोपी मोहम्मद तकीरकडून जप्त करण्यात आला असून आता सध्याच्या न्यायालयात म्हणजे जिथून आणण्यात आलेलं आहे त्याच्यावर कारवाई करण्याकरता पुढील तपास तहसील पोलीस करीत आहे. नागपूर मनपा द्वारा नागरिकों के लिए इंटरसिटी फ्रीडम टू वॉक एंड साइकिल कैंपेन का 1 जनवरी से 26 जनवरी 2022 तक आयोजन किया गया है. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है. केंद्र सरकार के गृह निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार नागपुर मनपा द्वारा नागरिकों के लिए इंटरसिटी फ्रीडम टू वॉक एंड साइकिल कैंपेन का 1 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजन किया गया है. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है. साइकिलिंग और वॉकिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस उपक्रम का आयोजन किया गया है. स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस ने बताया कि नागपुरकर का साइकिलिंग और वॉकिंग का रिकॉर्ड स्टारवा मोबाइल एप्लीकेशन में दर्ज किया जाएगा. ज्यादा साइकिलिंग और वॉकिंग करने वालों की नियुक्ति कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा. आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स एक चांगला प्रकार की कैम्पेन राबवलेली आहे. फ्रीडम टू वॉक आणि फ्रीडम टू सायकल या दोन प्रकारच्या कॅम्पेनमध्ये आम्ही लोकांचा हेल्थ कसा चांगला करायचं यांच्याबद्दल जनजागृती करून यामध्ये लोकांचा जास्त जास्त पार्टिसिपेशन घेऊन आम्ही या दोन कॅम्पेनमध्ये पार्टिसिपेट करणार आहे. स्मार्ट सिटीमधून आम्ही सगळं सायकलिंग एज ग्रुप्स आहे, रनिंग ग्रुप्स आहे, त्यांच्यासोबत पण आमचा संपर्क झालेली आहे आणि अजून आता प्रेसांच्या सोबत आज होतात आणि आमच्या मेडिकल असोसिएशन्स आहे, सगळं रोटरी क्लब्स आहे, सगळ्यांच्या सोबत आम्ही संपर्क करून ये कसा कॉलेजेसांच्या सोबत संपर्क करून या जनजागृती जास्त करून जास्त लोकांचं पार्टिसिपेशन घेणार आहे आणि या फक्त 26 दिवससाठी लोकांच्या मनात सायकलिंग किंवा वॉकिंग नाही होणार पाहिजे, ते त्यांचा आयुष्यभर ते चांगला प्रकारला रेग्युलरली करावा लागेल यांच्याबद्दल आम्ही जनजागृती करणार आहे. नागपूर मनपा में सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने नागपुर के संविधान चौक में भव्य आंदोलन किया. इस दौरान आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. बीजेपी हटाओ ममता बचाओ, बीजेपी हटाओ ममता बचाओ, बीजेपी हटाओ. बुधवार को नागपुर के संविधान चौक में आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा के खिलाफ आंदोलन किया गया. नागपुर मनपा में भाजपा की सत्ता है. भाजपा के सत्ता में मनपा के कई विभाग में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं. खासकर नागपुर मनपा का स्टेशनरी घोटाला चर्चा का विषय बना हुआ है. मनपा में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शाम 4 बजे के करीब आंदोलन किया. इस दौरान बीजेपी हटाओ एनएमसी बचाओ के नारे भी लगाए गए. मेरा नाम जगजीत सिंह, मैं महाराष्ट्र स्टेट ट्रेजरर आम आदमी पार्टी. आज का आंदोलन हमारा बीजेपी में चले भ्रष्टाचार के बराबर है, उनके लिए है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं. आए दिन हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि 1.5 करोड़ के बिल बगैर जांच के पास कर दिए गए, 67 लाख रुपीज़ की स्टेशनरी, फर्जी स्टैम्प, फर्जी साइन, फर्जी अप्रूवल, ऑडिटर की साइन भी फर्जी, और जाके चेक बन जाता है, उनको पेमेंट मिल जाती है, और उनके ऊपर में कमिश्नर अगर 4 लोगों से जवाब पूछता है, जवाब पर्याप्त नहीं मिलते हैं तो उन लोगों के जवाब रिजेक्ट करके 6 लोगों की समिति बना करके निकाला जाता है. हमारी मांग है कि ये पूरे भ्रष्टाचार, पिछले 15 साल के कार्यकाल के भ्रष्टाचार की ऑडिटिंग होनी चाहिए, और ऑडिटिंग हो करके सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे वो उनके अधिकारी रहे, चाहे कोई रहे. बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया है और कोई काम नहीं किया है. आए दिन रोड में गड्ढे हो रहे हैं, अभी इलेक्शन आ रहा है तो सब ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनका पैसा जो कहाँ कहाँ जा रहा है. आज स्कूल के पास इनके पास किराए के लिए एक पेपर में न्यूज ये है कि किराया लेकर के दूसरे कमरे में स्कूल में पढ़ा रहे हैं. इनके स्कूल बंद पड़े हुए हैं, खराब पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर भ्रष्टाचार किया हुआ. इसकी सबकी जांच होनी चाहिए, इन लोगों को सस्पेंड होनी चाहिए. इन सब लोगों ने मिलकर, कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ईमानदार इंसान को, तुकाराम मुंडे जी को नागपुर से तबादला कराया. हमारी मांग है कि उनको वापस लाना चाहिए, ईमानदारी वापस आनी चाहिए, और बीजेपी का सरकार जो है अभी उसकी बर्खास्त होनी चाहिए इलेक्शन आने के पहले, ताकि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच हो सके और फर्जीवाड़ों को सजा हो सके. तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. देखते रहिए वीकेबी न्यूज़. नमस्कार.